Hi everyone. Yes, I am your friend Sarita Kumari. Welcome my channel Rajeshwari Food. तो दोस्तों आज मैं फिर आप लोग के लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ. तो दोस्तों चलिए मैंने अपना गैस जला के ये कढ़ाई चढ़ा दिया है. तो अब मैं इसमें 2 स्पून मतलब रेसिपी के अनुसार मैं इसमें घी देने वाली हूँ. आप चाहे तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन घी दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. तो दोस्तों ये रहा घी. तो मैं इसमें करीब अभी मैंने 1.5 स्पून खाली घी दिया है क्योंकि इसमें मुझे ड्राई फ्रूट्स अपने फ्राई करने हैं. तो दोस्तों हमारे पास ये देख सकते हो बादाम है, लगभग 20 ग्राम होगा. तो हम इसको फ्राई कर लेते हैं, इस घी में ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं. तो दोस्तों आप देख सकते हो बादाम अपने आप मतलब फूट रहा है और इसका कलर भी अच्छा लग रहा है. तो जब ये पूरे फूट जाएंगे तो हम इसे दूसरी थाली में ठंडी थाली में एक तो निकाल लेंगे. तो मैं इसको अच्छे से पूरा फ्राई कर ले रही हूँ. तो हमारा बादाम पूरा फ्राई हो गया है दोस्तों. तो मैं आप गैस का फ्लेम कम कर करके काम कीजिएगा. सॉरी दोस्तों अब मैं इसको निकाल लेती हूँ. दोस्तों मैंने इसको एक थाली में अलग से निकाल लिया है अपने फ्राई बादाम को. तो दोस्तों देख सकते हो मैंने इसको घी से निकाल लिया है और ऐसे करके ब्राउनिश कलर होने तक मैंने इस काजू को भी फ्राई कर लिया था, भूंज लिया था. काजू घी में फ्राई करने के बाद भी काफी मेरा घी रह गया है. तो अब हम इसमें नेक्स्ट अपना ड्राई फ्रूट फ्राई कर सकते हैं. मेरे पास किशमिश है, लगभग 20 ग्राम है. तो अब मैं इसको इस हॉट घी में मतलब गरम घी में अपना फ्राई कर लेती हूँ. तो दोस्तों मैंने अपना किशमिश भी देख सकते हो आप, मैं दिखा रही हूँ आपको, ऐसे पूरा ब्राउनिश होने तक मैंने इसको भी फ्राई कर लिया है. और जो हमारा पीनट्स था और काजू था, किशमिश, सब हमने घी में फ्राई करके एक थाली में निकाल लिया है. हमारे पास फिर भी वो सब फ्राई करने के बाद, सारे ड्राई फ्रूट फ्राई करने के बाद मेरे पास इतना घी बच गया है. तो मैं 2 स्पून और इसमें घी डालती हूँ क्योंकि मुझे मखाना इसमें फ्राई करना है. तो दोस्तों मैंने इसमें अपना 2 स्पून घी और डाल दिया है. तो अब मैं इसमें आप देख सकते हो 1/4, एक बड़ा स्पून का 1/4 इसमें सौंफ है. तो मैं इसमें सौंफ डाल रही हूँ. ये हमारे पास मखाना है, खिली खिली मखाना है, देख सकते हो बहुत प्यारी मखाना है, मखान है प्यारा सा. तो अब हम इसको लास्ट मतलब इसका काम करेंगे रेसिपी में. तो हमारा सौंफ पूरा ये हो गया है. मेरे पास देख सकते हो कड़ी पत्ता है, तो मैं इसमें कड़ी पत्ता भी डाल रही हूँ. ये हमारा कड़ी पत्ता और सौंफ अच्छी तरह पूरा मतलब जल गया है, फ्राई हो गया. तो अब मेरे पास हल्दी है, तो मैं इसमें 1/4 हल्दी डाल रही हूँ. और इसके बाद हमें लाल देख सकते हो एक मतलब 1 टेबल स्पून भर के रेड चिली पाउडर है. तो हम इसको इसमें डाल दिए हैं. अब इन सारे चीज़ों को हम आपस में ऐसे करके मिला लेते हैं. और मिलाने के बाद मेरे पास मखाना था, लगभग 50 ग्राम मखाना है, खिली खिली मखाना है. कीरी मत लीजिएगा, मखाना का कीरी होता है ना एक मतलब छोटा छोटा करके टाइट टाइट, वो मत लीजिएगा, ऐसा खिली खिली मखाना लीजिएगा. और इसमें मैं इस सबको डाल देती हूँ और इनको फ्राई करना है मखानों को. और इसको मखाना को फ्राई करते समय आप अपना गैस का फ्लेम लो कर लीजिएगा, मिडिल पे कर लीजिएगा, ताकि ये मखाना मतलब ये सॉफ्ट होते हैं ना, तो ये ना हो जाए, जल्दी से जल ना जाए. अब आप इसमें थोड़ा सा हल्का मात्रा में ब्लैक पेपर होता है ना, ज़्यादा स्पाइसी बनेगा. तो 1/4 करीब मैं इसमें हल्का स्वाद अनुसार इसमें 1/4 मैंने ब्लैक पेपर डाला है. और ये जीरा का पाउडर है, हम इसमें ये भी 1/4 करीब स्वाद अनुसार इसमें डालेंगे. अब इन सबको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे. तो दोस्तों आज जो मैं बना रही हूँ वो है स्पाइसी और एकदम हॉट चिली
मसालेदार मखाना स्नैक बना रही हूँ। अगर कुछ आपको समझना है ये टाइम में तो बस फटाफट आप जल्दी से ये निकाल लीजिए और ये बना लीजिए। तो टी टाइम पे आप इसे कुछ भी इंजॉय जो आपको अच्छा सीरियल लगता हो वो टी टाइम पे आप इसको खा सकते हो। बच्चे भी इसको आराम से खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा तीखा और स्पाइसी होगा ये। तो आप जो मसाला मैंने इंग्रेडिएंट इसमें डाला है उसे अपने टेस्ट अकॉर्डिंग मतलब एज के हिसाब से, बच्चे खा रहे हैं तो कम कर सकते हो या उससे ज़्यादा दादा दादी हैं तो कम कर सकते हो, या ऐसे खाएंगे तो चलेगा और आप खा सकते हो। तो अगर और इससे ज़्यादा तीखा खाना है तो आप वो भी इसमें ज़्यादा मसाला और डाल सकते हो। तो दोस्तों इसका कलर बहुत प्यारा आ गया है। अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखे थे उसे भी हम एक साथ इसमें इंक्लूड कर देते हैं, मिला देते हैं। तो सारे ड्राई फ्रूट्स मैं इनमें डाल दी हूँ। अब इन सब को आप देख सकते हो, इन सब को एक साथ हम फ्राई कर लेते हैं और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें सॉल्ट डालिएगा। ज़्यादा तेज़ मत कीजिएगा क्योंकि ड्राई फ्रूट सब में ज़्यादा सॉल्ट, इतना करीब मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ क्योंकि मैंने किसी ड्राई फ्रूट में सॉल्ट नहीं डाला था। अब हम इसे आपस में एक दूसरे के साथ मिला लेते हैं, एक दूसरे में इन लोग अच्छी तरह मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये सब देखने में कितना गुड लुकिंग लग रहा है और इसका स्मेल भी बहुत अच्छा आ रहा है। अगर आप इसको और ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हो तो मेरे पास ये चिली फ्लेक्स है, आप इसको इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो या तो स्केप भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसमें रेड चिली पाउडर और ब्लैक पेपर और जीरा पाउडर डाल रखा है, लेकिन मैंने इसमें चिली फ्लेक्स भी डाला है ताकि ये तेज और करारे बने, अच्छे बने। तो दोस्तों हमारा ये पूरा बन के रेडी हो गया। मैं आपको एक दिखा देती हूँ मखाना तोड़ के, ये देखिए पूरा क्रिस्पी क्रंची बन गया है। तो इस स्टेज पे हम अपना गैस बंद कर देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो मेरे पास एक चौथाई जलजीरा पाउडर है। जब मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है तो अब आप ऊपर से इसमें और स्वाद देने के लिए जलजीरा पाउडर इसमें डाल सकते हो। तो मैंने इसमें जलजीरा पाउडर डाल दिया। अभी मेरे पास एक चौथाई लगभग चाट पाउडर है तो मैं उसको भी इसमें डाल रही हूँ। तो दोस्तों मेरे पास ये कस्तूरी मेथी है। आप बोलोगे सब्जी तो नहीं बना रहे हैं तो कस्तूरी मेथी क्यों डालना है। अगर आप ये डालोगे और जो मैंने कड़ी पत्ता डाला है उससे और ये कस्तूरी मेथी से इसका जो फ्लेवर है सौंधी सौंधी खुशबू आएगी और इसकी फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। आप मार्केट से जब ऐसे मसालेदार मखाना खरीदते हो तो आपने उसमें देखा होगा कि ये कस्तूरी मेथी और ये कड़ी पत्ता जो मैंने डाला है ये डाले रहते हैं और उसका फ्लेवर इसमें बहुत फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और इसका धीमी धीमी खुशबू बहुत अच्छी मतलब प्यारी स्मेल आती है, तो इसलिए मैंने इसमें डाला है। इसमें मैंने जो लास्ट में गैस बंद करने के बाद चाट मसाला जलजीरा पाउडर और कस्तूरी मेथी डाला है। अगर आपको इच्छा होगा तो आप डालिएगा, अगर इच्छा नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो। लेकिन अगर फ्रेंड ये रेसिपी अगर आप बना रहे हो तो अगर उसमें ये लास्ट में मिलाओगे तो उसका स्मेल बहुत अच्छा आएगा और खाने में भी बहुत प्यारा लगेगा अगर आपको इसको बहुत। तो दोस्तों आपका ये प्यारा प्यारा चटपटा स्पाइसी कुछ खट्टा कुछ मीठा और तीखा मसालेदार मखाना मसाला मखाना वे ड्राई फ्रूट के साथ रेडी हो गया है दोस्तों। तो इस प्यारी प्यारी रेसिपी के लिए जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब तो इस रेसिपी के लिए बनता है दोस्तों। तो प्लीज़ जिन्होंने नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ना। सब्सक्राइब करने में कुछ जाता है क्या? आई थिंक नहीं जाता है दोस्तों। तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब तो मेरे चैनल को ज़रूर बनता है। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा ट्राई करके देखती हूँ ये कैसा बना है, मैं खा के देखती हूँ आपको बताती हूँ कि मैंने कैसा बनाया है। सुपर है दोस्तों, बहुत प्यारा तीखा हो गया।
रेसिपी बहुत अच्छा है, आप बनाइएगा ये रेसिपी और मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा कि किस किसने इस ये रेसिपी को बनाया है और किसने इसको स्टोर करके रखा और किसने इसे चट कर दिया एक ही बार में। तो दोस्तों दोस्तों बहुत तीखा हो गया, कान और गला तो जल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, टेस्टी है, टी टाइम स्नैक बहुत अच्छा बना है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आपसे निवेदन है, विनती है, अनुरोध है मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो जब तक मैं मिलती हूँ नए रेसिपी के साथ, तब तक आप खुश रहिए, आवाज रहिए, मुस्कुराते रहिए और ये प्यारी प्यारी रेसिपी खा के अपनी इस प्यारी प्यारी दोस्त को याद करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।